नमस्ते भारत, जैसा कि आप सब जानते हैं हम पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह पे अभी हम खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख सकते होंगे पवन चक्की चल रही है और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है और इस कारण से हमने सोचा कि यहाँ पे ही वीडियो बनाया जाए। तो अभी हम जिला सोमनाथ से निकले हैं जिला सोमनाथ, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पीछे ही जिला नदी बहती है और सोमनाथ आप जानते ही हैं, सोमनाथ जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से प्रमुख है। माना यह जाता है कि जो सोमनाथ में जो ज्योतिर्लिंग है वह पूर्व में पुराना ज्योतिर्लिंग, जो प्राचीन ज्योतिर्लिंग था वो यहाँ पे स्थापित किया गया है। कारण यही था कि हम देखते हैं कि अनेक देशों के लोग हमारे देश पर आक्रमण करते थे, हमला करते थे, तो उनसे बचाने के लिए जो यहाँ के स्थानीय राजा थे उन्होंने यहाँ पर उनको स्थापित किया और आज यह स्थान बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है जो कि गेला सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। अभी हम वहीं पर रुके हुए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ के प्रमुख ट्रस्टी जी थे, उन्होंने भी हमारे साथ में बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार किया और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हमारी व्यवस्थाएं की और न्यूज़ वगैरह में भी उन्हीं के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में आई। तो अभी हम भावनगर की ओर जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में भावनगर का कायम चूर्ण, नित्यम चूर्ण आप नाम सुने होंगे, कभी ना कभी आपने उपयोग भी किया होगा नित्यम चूर्ण का, कायम चूर्ण का, तो भावनगर में वो बनता है। अभी हम भावनगर जा रहे हैं, हालांकि राजकोट साइड जाना था लेकिन राजकोट साइड अगर हम जाते तो हमारा जो रूट था वो डबल हो जाता था, वापस हमको भावनगर आना पड़ता था क्योंकि हमें समुद्री रास्ता पकड़ना था। समुद्री के पूरे जो रास्ते हैं वो समुद्र के साइड से, इसमें आपका दूज भी आ जाएगा, अपना द्वीप आ जाएगा, पोरबंदर आ जाएगा और सोमनाथ मंदिर आ जाएगा और इस प्रकार से बाकी सब जगहें आ जाएगी। तो जैसा कि आज हमारी पूरी भारत यात्रा को 291 दिन हो चुके हैं और साथ ही साथ 15,000 से किलोमीटर से अधिक की हमारी यात्रा हो चुकी है। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा था क्योंकि हम कल यहीं रुके थे और उसके साथ साथ में 3 स्कूलों में गए थे। सबसे पहले स्कूल में गए थे आस्था स्कूल में, जिसका वीडियो हमने आपको डाला ही है, इसके पहले वीडियो आप वही देखेंगे। उसके बाद फिर हम सांदीपनी स्कूल में गए जहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ हमारी बातचीत हुई। उसके बाद फिर पाटीदार जो शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है वहाँ गए। इस प्रकार से हमारी कल की दिनचर्या रही और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वातावरण रहा। आज हम सुबेरे निकले तो भगवान भोलानाथ के दर्शन भी किए और उसके साथ साथ में जो प्रमुख ट्रस्टी थे और अन्य लोगों के साथ फोटो खिंचवाया, लोगों को मिलके हमारे से बहुत अच्छा लगा और हमें भी उनसे मिलकर बहुत ही आनंद आया। जैसे ही हम आ रहे थे, जो कि आप देखते हैं जब सुबह सुबह निकलना रहता है तो टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है, सामान वामान आपने देखा होगा हमारे बैग में, हमारे साइकिल में सामान ज़्यादा है तो उसको रखने में, और हर बार आप जब कहीं रुकते हो तो कुछ दिन में आपको अपने सामान का मुआयना करना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको ऐसी हो जाती निकालनी पड़ती है और कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। तो निकले थे और हमारा नाश्ता नहीं हो पाया था, हम पॉजिटिव सोच रखे हुए थे, इस कारण से भगवान सोमनाथ ने हमारे लिए उसकी भी व्यवस्था कर दी। एक गाड़ी वाले जा रहे थे, उन्होंने हमसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमारे पास गाय का ताज़ा दूध है, आप पियेंगे, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो हमें गाय का ताज़ा दूध भी मिल गया। तो इस प्रकार से हमारी सुबह का नाश्ता भी हो गया। आगे हम भावनगर जा रहे हैं लेकिन भावनगर यहाँ से 107 किलोमीटर है तो अभी समय लगेगा, बीच में एक जगह स्टे करना पड़ेगा, कहाँ रुकेंगे कैसे रुकेंगे वो अभी बता नहीं सकते। जैसे आप सब जानते हैं कि जहाँ प्रभु की इच्छा हुई, जहाँ शाम पड़ी हम वहाँ पे जाते हैं। तो ये गांव है, आप देखे होंगे इस गांव में चारों ओर इस प्रकार की पवन चक्की लगी हुई है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, तो इस कारण से हमने सोचा कि यहाँ पर वीडियो बनाया जाए। गांव का नाम उमालगढ़ गांव है, गुजरात का ही, गेला सोमनाथ मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर ही आगे है और बहुत ही सुंदर, क्योंकि हम गुजरात से ही बिलोंग करते हैं तो गुजरात में घूमना गांव में शहर में बहुत ही आनंद देता है। तो इसी प्रकार से आपके साथ में अपने जी लाल भाई की दुकान है रोड पे। अच्छा ठीक है, ये लाल भाई की भी दुकान है रोड पे, तो
आप विजिट करिएगा। आपको कुछ खाना पीना हो तो जैसे गांव में छोटी दुकान होती है चीज़ों की वैसी, तो इसी प्रकार से हमारे साथ आप इस साइकिल से यात्रा करते रहिए, हम आपको अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।